हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध सांबा नृत्य का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ब्राज़ील के अंदर जो सांबा नृत्य है वो उसका उद्गम स्थल है दोस्तों। तो दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बने रहिए कंटिन्यू वीडियो के साथ और पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन जो नदी है वो सबसे बड़ी नदी है विश्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो विश्व में सबसे पतले आकार वाला देश कौन सा है? तो जो किरीबेती जो देश है वो सबसे पतले आकार का देश है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो विशाखापट्टनम की तेलशाला कब स्थापित की गई थी? तो 1957 ईस्वी के अंदर विशाखापट्टनम की तेलशाला स्थापित की गई थी दोस्तों, तेल शोधन शाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वित्तीय वर्ष 2011-2012 में भारत में किस उत्पाद का सर्वाधिक निर्यात किया गया? तो इंजीनियरिंग उत्पाद का सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया था वित्तीय वर्ष 2011-12 में। वासेपुर किस शहर में स्थित है? तो वासेपुर धनबाद के अंदर स्थित है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? तो राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वसा की अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं? तो मोटापा, हृदय रोग व उच्च रक्तचाप नामक रोग हो जाते हैं वसा की अधिकता से। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वर्ष 1948 में घोषित प्रथम औद्योगिक नीति क्षेत्र किस क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया? तो लघु उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था दोस्तों 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वर्तमान में भूमध्य सागर के किस प्राचीन महासागर के अवशेष मिले? तो टेथित महासागर के अवशेष मिले भूमध्य सागर में। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और फेसबुक और व्हाट्सअप के माध्यम से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जीके के क्वेश्चन प्राप्त कर सके दोस्तों। और कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। तो अंत में जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।